गौवंश की सुरक्षा को लेकर समूचे देश में चल रही चर्चा के दौरान आज असम के नौगांव शहर में गौमांस की बिक्री और गौ हत्या को लेकर मुसलमान भाइयों ने शहर की ढाकापट्टी इलाके में गौ हत्या करने और गाय का मांस बेचने वालों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। यह पहली बार है कि मुसलमान लोगों ने गौ माता की हत्या और उसके मांस की बिक्री को बंद करने को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। इस संदर्भ में स्थानीय मुसलमानों ने बताया कि शहर की ढाकापट्टी में करीब 7 गौ मांस की बिक्री की दुकानें हैं, जो जिला प्रशासन के नीति नियमों को ठेंगा दिखाकर गौ मांस की खुलेआम बिक्री करती है। मिली जानकारी के मुताबिक गौ मांस बेचने वाले गाय की छत बिछत अंग को शहर के नाले में फेंक देते हैं, जिससे उसकी दुर्गंध से उस इलाके में रहने वाले लोगों का जीना मुहाल हो गया है। मुसलमान भाइयों ने इस संदर्भ में तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक लिखित पत्र प्रेरण किया है। असम हेडलाइंस न्यूज के लिए नौगांव से अजय महतो की रिपोर्ट। हमारा इलाका ढाकापट्टी है, यहाँ पे 7 गोश का दुकान है जो एकदम सड़क के बगल में ही है। रेसिडेंशियल एरिया है जहाँ पे ये लोग गोश काटते हैं और गोश का खून जो वगैरह होता है वो ड्रेन में छोड़ देते हैं, जिसके वजह से कोई भी म्यूनसिपलिटी का वर्कर आके ड्रेन साफ़ नहीं करते हैं। गंदगी यहाँ पे फैला हुआ होता है, यहाँ पे बहुत सारा बदबू आ गया है, जिसके वजह से बहुत लोगों को बीमार भी हो रहा है। इसीलिए हम लोग ये कर रहे हैं कि हम लोगों को ये प्रॉब्लम जो हो रहा है प्रशासन से हम लोग ये दावी कर रहे हैं कि हम लोगों को मदद कीजिए, ये दुकान जो यहाँ से उठाने के लिए यहाँ से शिफ्ट कर दीजिए। हम लोग बहुत सालों से ये दुकान चल रहा है, हम लोग केस कर रहे हैं, 15 से हम लोग केस कर रहे हैं, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं निकल रहा है। म्यूनसिपलिटी में हम लोगों ने केस किया है और PM को भी हम लोगों ने लिखा है, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं निकल रहा है, क्योंकि जो लोग AC में बैठ के ये सब डिसीजन ले रहे हैं, मैं उन लोगों को कह रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि आइए आप लोग ढाकापट्टी मस्जिद एरिया में आइए, आकर 10 वहाँ पे खड़ा होकर दिखा दीजिए। जितना बदबू है, कोई भी गैर कौम के लोग वहाँ से आ जा नहीं सकते हैं, मुँह में रुमाल डाल के वहाँ पे चलना लायक हो जाता है। और हम लोग वहाँ पे अभी 20-25 से वहाँ पे ठहरे हुए हैं, हम लोगों को बहुत तकलीफ हो रहा है, जिसके वजह से हम लोग आज ये आंदोलन कर रहे हैं। हाँ, आप लोगों से ये हम लोग अपील कर रहे हैं कि हम लोगों को मदद कीजिए। हाँ, म्यूनसिपलिटी एरिया का कोई भी फैसिलिटी हम लोगों को नहीं मिल रहा है, हम लोगों को वहाँ पे एक अच्छा ट्यूशन मास्टर भी नहीं आता है बच्चे लोगों को पढ़ाने के लिए। जितना बदबू मारते हैं उस वजह से कोई भी अच्छे लोग वहाँ से आने जाने में कतराते हैं, तो हम लोग प्रशासन से यही कह रहे हैं कि हम लोगों को मदद कीजिए। हमारा जो अपील है, आप लोग उस पर ध्यान दीजिए और उस अपील को आप लोग सोचिए और कुछ डिसीजन लीजिए जल्दी से जल्दी।